हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है लिंग निर्धारण क्या होता है। लिंग निर्धारण क्या होता है, या फिर इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम पढ़ते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन पर होता क्या है एक्चुअल में, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, या फिर इसकी डेफिनेशन भी आप समझ सकते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निश्चित होता है कि एक लिंगी यूनिसेक्सुअल। अब एक लिंगी क्या होता है, एक लिंगी मतलब या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, या नर होगा या मादा होगा। एक लिंगी का मतलब ऐसा होता है कि जिसमें एक ही लिंग हो, यूनिसेक्सुअल जो होता है उसे हम बोलते हैं एक लिंगी। एक होता है बायसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिसेक्सुअल, या तो जेंट्स होगा या लेडीज होगी। एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो नया उत्पन्न होने वाला जीव है या प्राणी है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, लिंग निर्धारण के द्वारा, है ना। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जंतुओं में लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी या नया जीव मेल होगा या फीमेल होगा, नर होगा या मादा होगी। ये हम कैसे बताएंगे, हम सभी ने पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं। 23 पेयर में से जो है वो 22 क्या होता है, ऑटोसोम होते हैं, और एक जो होता है 23 नंबर का जो पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। और ये वाला जो पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, यही ये निर्धारण करता है। इसमें जो 23 नंबर का क्रोमोसोम होता है हमारा, उसके द्वारा ही निर्धारित होता है कि लड़का होगा या लड़की। इसी प्रकार यहाँ पर जब लैंगिक जनन होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो संतान है, जो जीव है, वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये निर्धारित किया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण क्रिया के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए।